सो हे गाइस, यहाँ पे गए सब लोग रेडमी की जो 10 सीरीज है, नोट 10 सीरीज का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा फ़ोन लॉन्च हो रहा है, किस डिज़ाइन का होगा, और मैं यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लुक भी है वो आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में कौन से प्रोसेसर और क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ पे पूरे रेडमी 10 सीरीज़ की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस स्टार्ट करते हैं रेडमी के नोट 10 से। तो यहाँ पे आपको रेडमी नोट 10 में आपको गाइस सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा गाइस, जो कि एक आईपीएस डिस्प्ले होगा, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी फ़ोन आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ अभी तक नहीं आने की संभावना हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि शाओमी शुरू से ही आईपीएस डिस्प्ले ही देते आ रहा है। और वहीं पर बात करें गाइस इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे गाइस लीक्स जो निकल के आ रहे हैं उससे हम लोग को यहाँ पे लग रहा है कि जो रेडमी का जो नोट 10 सीरीज में नोट 10 जो होगा वहाँ पे गाइस आपको 600 सीरीज का प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। पर गाइस यहाँ पे ये भी संभावना है कि यहाँ पे आपको 720G या फिर 735G प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नया 5G प्रोसेसर है। यहाँ पे कैमरा की बात करें गाइस तो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको जो है पंच होल आपको सभी फोन में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, और साइड में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं पे गाइस बात करें इस फ़ोन के बैटरी की, तो अराउंड 5000 mAh बैटरी इसमें होने वाला है, और 33 W फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 25 W चार्जर आपको देखने को मिलेगा। प्राइस जो है गाइस इसकी 10,000 से 12,000 के बीच में रहने वाली है। और वहीं पे बात करें गाइस जो अगला फ़ोन है रेडमी का नोट 10 प्रो, तो नोट 10 प्रो की अगर बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको 730G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और अगर ये फ़ोन 5G में लॉन्च होगा गाइस तो यहाँ पे लीक्स जो ऐसे हैं कि यहाँ पे जो फ़ोन है वो सारे 4G और 5G दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे गाइस अगर ये 5G में लॉन्च होता है तो आपको 735G प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और वहीं पे कैमरा की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको 64 MP कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, और वहीं पे जो है ये क्वाड सेटअप हो सकता है गाइस, और फ्रंट में आपको 32 MP कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 5050 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, 33 W फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पे ग्लास बैक वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। और वहीं पे बात करें गाइस जो इसकी प्राइस की, तो ये अराउंड 12,000 से 15,000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, 16,000 से 17,000 भी हो सकता है इसका प्राइस है। फर्स्ट लुक की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सही से। तो यही फ़ोन है गाइस, क्योंकि अभी तक जितने भी लीक्स और जो भी मतलब लॉन्च हुए हैं साल्ट माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, जैसे भी मुझे लग रहा है कि यही फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में, यही डिज़ाइन वाला फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। क्योंकि गाइस अब एक ही डिज़ाइन बचा है जहाँ पे साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर में साइड वाला, क्योंकि मिडिल वाला तो ये ख़त्म कर रहे हैं 10 सीरीज में। यहाँ पे जो रेडमी के नोट 10 है वहाँ से आपको साइड में आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे गाइस अभी तक जो है हम लोग को बीच में ही देखने को मिलते थे रेडमी के फ़ोन्स में कैमरा मॉड्यूल अधिकतर। और वहीं पे बात करें गाइस की रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की, तो यहाँ पे जो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है वो आपको 108 MP के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे फ्रंट में आपको 32 MP कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और सारे फ़ोन्स में आपको मिडिल पंच होल देखने को मिलेंगे गाइस यहाँ पे, और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे गाइस बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको 768 प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 750G प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइस जो प्रोसेसर है वो पूरे प्रोसेसर स्नैपड्रैगन जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे कोई भी मीडियाटेक वगैरह यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो क्वालकॉम के प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा फ़ोन होगा, और इसका जो प्राइस गाइस इस प्रो वाले का प्रो मैक्स का, तो ये 20,000 से 22,000 रुपये तक जा सकता है गाइस, 15,000 18,000 से तो ऊपर ही रहने वाला है ये जो इसका प्राइस है। और वहीं पे बैटरी जो है गाइस आपको 5050 mAh की मिल सकती है, वहीं पे 65 W फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल सकता है, तो ग्लास बैक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अगर एमोलेड बाई चांस अगर एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलेगा तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। We'll be right back.